जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला की अध्यक्षता में सदर अस्पताल रोगी कल्याण समिति आयुष्मान भारत एवं टीबी फॉर्म की बैठक की गई। उक्त बैठक में अधीक्षक सदर अस्पताल के द्वारा अस्पताल में मुख्य समस्या के बारे में सभी रोगी कला समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष को अवगत कराया गया तथा ये बताया गया कि वर्तमान में इस अस्पताल को और बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा सभी बिंदुओं पर गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों को समय सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मुख्य रूप से अस्पताल में नाले की पानी का निकासी, अस्पताल का सौंदर्यीकरण, मरीज के बैठने की व्यवस्था से संबंधित कार्यों पर चर्चा की गई। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। किस तरह से प्रोजेक्ट आज देखिए तीन बैठक एक साथ था। एक तो हमारा जो रोगी कल्याण समिति है उसका बैठक था, साथ में टीबी उन्मूलन के लिए और आयुष्मान भारत के लिए पैनलमेंट का बैठक था। तो तीनों बैठकों में जो एजेंडा था हमारा उसके हिसाब से आज का मीटिंग हुआ है। रोगी कल्याण समिति में सदर अस्पताल के जीर्णोद्धार के लिए जो जो लंबित कार्य हैं उसकी समीक्षा की गई। टीबी उन्मूलन के लिए पूरे जिला में जो टीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो टेस्टिंग और सैंपलिंग का काम चल रहा है, हमारे जितने पीएचसी हैं, सदर अस्पताल हैं, जितने अनुमंडल या प्रखंड स्तर पर अस्पताल हैं, वहाँ पर टीबी के लिए जो संभावित जो रोगी होते हैं उनका टेस्टिंग हो, उनको जो दवाएं हैं वो भी उपलब्ध हों और हमारा जितना भी सैंपलिंग का जांच समय पर हो, इसको लेकर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की गई है। इसके अलावा आयुष्मान भारत में जो भी नए हॉस्पिटल एंड पैनल हो रहे हैं उसको लेकर मीटिंग की गई है और आयुष्मान कार्ड की कवरेज को लेकर भी समीक्षा की गई है।